नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात, मैं हूं सुनील यादव। सबसे पहले सुर्खियां। बैतूल जिले के चिचोली ब्लॉक में मिला महिला का नरकंकाल, हत्या की आशंका। 6 माह से लापता थी महिला। सूर्य नमस्कार के दौरान बिगड़ी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदीप सक्सेना की तबीयत, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पूरे प्रदेश में लाखों लोगों ने किया सूर्य नमस्कार। कई शहरों में निकाली गई विवेकानंद जी की शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार। बैतूल जिले के चिचोली थाना क्षेत्र के सीता डोंगरी ग्राम में गन्ने की बाड़ी में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने उक्त महिला की शिनाख्त फूसे पति चिक्की के रूप में की। सूत्रों की माने तो महिला 6 माह से अपने घर से गायब थी, जिसकी चिचोली थाने में गुमशुदगी भी दर्ज की गई है। चर्चा है कि जेवर छुड़ाने के बाद महिला की हत्या कर दी गई होगी। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर हर पहलू पर जांच की जा रही है। छिंदवाड़ा के स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित सूर्य नमस्कार के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सक्सेना का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके बाद आनंद फानंद में गंभीर हालत में प्रदीप सक्सेना को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्वामी विवेकानंद जयंती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टिमन्नी के द्वारा विवेकानंद जी की शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। नगर मंत्री दीपांशु राठौर ने बताया कि शोभा यात्रा देशभक्ति गीतों की धुन पर निकाली गई थी। वहीं जगह जगह पुष्प वर्षा कर शहरवासियों के द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से जिला संगठन मंत्री नीलेश कटारे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आयुषी अग्रवाल, सीमा भिलाला, हरिओम राजपूत, अंकित वशिष्ठ, अरविंद गुजर, वरुण मालवी, अज्जू किरार, चंचल दुबे, चिन्मय कौशल, दीपेश कौशल, रत्नेश कौशल, कृतिक देवहरे, राहुल बिडोरिया सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में जीवा ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी मालवा द्वारा सूर्य नमस्कार एवं सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूल संचालक प्रवीण पणिकर एवं प्राचार्य ज्योति पणिकर द्वारा सरस्वती पूजा एवं दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ किया। सूर्य नमस्कार के बाद छात्र अक्षत गौर और ओजस्विता यदवंती, प्रतीक्षा आयरे ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। सिवनी मालवा में युवा दिवस के अवसर पर अंकित तांबुलकर, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में विवेकानंद जी की शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। शोभा यात्रा में विक्रम सूर्यवंशी, भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री नीरज तिवारी, एबीवीपी विभाग संयोजक मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैंसदेही विधायक धर्म सिंह शासकीय बालक विद्यालय में आयोजित हो रहे सूर्य नमस्कार में शामिल हुए। वहीं शासकीय बालक विद्यालय सहित शासकीय कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को स्कूल चले हम योजना के अंतर्गत आई साइकिलों का वितरण भी किया। विधायक धर्म सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के लिए प्रदेश के मुखिया कमलनाथ द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जाएंगी, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई कठिनाई ना सके। बच्चों को शुभकामनाएं भी दी कि खूब पढ़ो, खूब बढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। छात्र छात्राओं को धर्मेंद्र मालवी, राजा आर्य, संजय मावसकर ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक धर्म सिंह श्रीराम, जनपद अध्यक्ष संजय मावसकर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनय शंकर पाठक, भाजपा नेता सुरेश पाल, पूर्व पार्षद रफीक खान सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बैतूल जिले की चिचोली तहसील की जनपद पंचायत सभा हॉल में स्थायी शिक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभापति शंकर राव चडोकर, जनपद अध्यक्ष चिरंजी लाल कबड़े, कांतिलाल यादव, संगीता उइके, सुशीला सलामे, डोमा सिंह कुमरे, प्राचार्य डी के केलकर, बीआरसी दीपक महाले और जन शिक्षक सहित छात्रावासों के अधीक्षकों को शालाओं की मॉनिटरिंग कर गुणवत्ता युक्त शिक्षा छात्र छात्राओं को कैसे दी जा सकती है, इस पर चर्चा की गई। वहीं छात्रावासों की व्यवस्था सुधारने एवं ठंड में स्वेटर देने के निर्देश भी दिए। शिक्षा अधिकारी आईडी बोखले ने कहा साइकिल वितरण भी जल्द किया जाएगा, शिक्षा में गुणवत्ता भी सुधारी जा रही है। आज 11 जनवरी 2019 को स्थायी शिक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में हमारे सभापति आदरणीय शंकर चौपाल जी, कांतिलाल यादव जी, संगीता उइके, सुशीला सलामे, डोमा सिंह कुमरे सहित प्राचार्य, जन शिक्षक और महाले जी बीआरसी उपस्थित थे। शिक्षा समिति का जो प्रमुख मुद्दा था वो ये था कि प्राथमिक और माध्यमिक शाला के बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने के पीछे केवल उद्देश्य ये रहता है कि शिक्षक पूरे समय उपस्थित रहे और जैसे अपने बच्चों का भविष्य सोचता है वैसे ही इन बच्चों का भी भविष्य सोचे, ताकि शासकीय स्कूलों की जो स्थिति है वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो सके। तो शाला मॉनिटरिंग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर इस पर निर्देश दिए, अध्यक्ष जी ने भी दिए। इसके अलावा छात्रावास और आश्रमों की जो व्यवस्था है, स्वेटर वितरण
अभी ठंडी का समय है, सामग्री वितरण तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले, ये निर्देश हमने छात्रावास अधीक्षक और अधीक्षिकाओं को भी दे दिए। बैतूल जिले के चिचोली ब्लॉक में 337 स्कूलों के 14,800 बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। इस अवसर पर नपा अध्यक्ष संतोष मालवी, अनिल पटेल, राजेंद्र जेजवाल, विजय आर्य, नरेंद्र आर्य, सुधीर जायसवाल, जीवन पानकर सहित प्राचार्य उपस्थित थे। आरोन में स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के उपलक्ष्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम कार्यक्रम सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में योग शिक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, जनपद अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष, स्कूल स्टाफ सहित पत्रकार बड़ी संख्या में शामिल हुए। होशंगाबाद के नर्मदा महाविद्यालय में युवा दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया गया। वहीं प्राचार्य ओएन चौबे ने विवेकानंद जी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व छात्र नेता राकेश रघुवंशी, एनएचयूआई विधानसभा अध्यक्ष बलबीर चौहान, अजय दीक्षित, कृष्णा चौहान, कीर्ति सिंह, जया, राहुल परते, पीयूष जैन, प्रवीण दुबे, करण परते, प्रियांश ठाकुर, मानस वर्मा, सौरभ यादव, विक्रम लोधी, वीरा चौधरी, ओम परते, शिवा पटेल, अभिषेक शर्मा, छात्र नेता आयुष पांडे, राहुल पुरी सहित एनएसयूआई सेवा दल के कई छात्र एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। सतपुड़ा वैली सिराली में युवा दिवस के अवसर पर सूर्य नमस्कार एवं स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं, शिक्षकगण एवं एनएसएस के स्वयंसेवकों ने सूर्य नमस्कार किया। सुनीता राजपूत ने कहा कि योग दीर्घ जीवन प्रदान करता है। युवा दिवस पर वीरेंद्र पटेल के द्वारा योग का अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर प्राचार्य योगिता राजपूत, प्रेम नारायण सोरठिया, मदन लाल शर्मा, पंतजली योग समिति जिला प्रभारी सेवाराम बाछानिया, किसान सेवा समिति जिला प्रभारी डॉक्टर शिवांगी अग्निहोत्री, महिला पंतजली योग समिति जिला प्रभारी वीरेंद्र पटेल, मुख्य योग्य शिक्षक सोडलपुर सुमन अवस्थी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनीत अग्रवाल, जिला चिकित्सक एवं सतपुड़ा बेली परिवार के सदस्य उपस्थित थे। होशंगाबाद जिले की जिमनी मालवा तहसील के ग्राम हिरनखेड़ा में श्री राम कथा सत्संग के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि रेणुका माता मंदिर बैंक के पास श्री राम कथा सत्संग का आयोजन 12 जनवरी से 18 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसमें सुप्रसिद्ध वक्ता श्री भीलटदेव महंत गोविंद दास जी के श्रीमुख से कथा सुनाई जा रही है, जिसको सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त ग्राम हिरनखेड़ा पहुँच रहे हैं।